good. Varsha ki wedding pe na. लाल जगदेश्वराय नमः सच्चिदानंदेश्वराय नमः ओम भूर्भुवः स्वः तस्मै मन बुद्धि चित्त शरीर निर्मल शांत एवं स्वच्छ होवे ओम अमृतो पश्रणमते स्वाहा मिलिहि ओम अमृताभिधानमते स्वाहा ओम सत्यं यथा तेमै त्रिकृतां स्वाहा अन्य स्पर्श प्रभु से अपने अंगों की स्वस्थता निरोगिता और पवित्रता की कामना करते हुए राइट की दो उंगलियां इनके द्वारा अन्य स्पर्श जैसे मैं ओम वांगमा आशेस्तु ओम नसोर में प्राणवस्तु ओम अक्षोर में चक्षुरस्तु ओम करणियोर में सोत्रमस्तु ओम भावोर में बलमस्तु ओम अर्वोर मा ओजोस्तु ओम अलिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वामि परमेश्वर की असीम अनुकंपा से आज यज्ञ पवित्र धारण कर रहे हैं इस यज्ञ पवित्र के मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने में आप सक्षम हो यज्ञ पवित्र की मर्यादा को आप अपने जीवन में धारण करते हुए जीवन के प्रभावों को बढ़ाने में सक्षम हो ऐसी प्रभु के प्रार्थना प्रभु के आशीर्वाद की कामना ओम अग्नेय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देव वैभवानि विद्वान् यो यो आप बोलेंगे हे सकल जगत के उत्पत्ति करता समग्र ऐश्वर्युक्त समस्त ऐश्वर्युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता सब सुखों के दाता परमेश्वर परमेश्वर आप कृपा करके हमारे हमारे संपूर्ण संपूर्ण दुर्गुण दुर्गुण दुर्व्यसन आदि व्याधि भय दुखों को दुखों और दुखों के सभी सभी कारणों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव आदि पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए हे प्रभु आज आपके आशीर्वाद से हम यज्ञोपवीत संस्कार कर रहे हैं प्रभो हमें शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान कीजिए जिससे हम यज्ञोपवीत की गरिमा को बढ़ाते हुए जीवन के सुख सौभाग्यों को बढ़ाने में सक्षम हों श्रीमान पुत्रा पिताजी का नाम नामाहम अपना नाम धनेश गोत्र का नाम गोत्री अद्य अद्य अहम परम पितु परमेश्वर से आशीर्वाद प्राप्त आत्म सुख शांति परिवार सुख शांति निमित्यर्थे यज्ञोपवीत संस्कार करिष्ये अस्मिन् संकल्पिते शुभं भवतु शुभानि संभवन्तु अहं प्रदास्मि कलस्य हाथ जोड़ के बोलेंगे ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत् सकेयम् तन्मे राध्यताम् इदम् अहम् अन्तरात् सत्यम् उपापृथिवी सुचेतुना ओम स्वस्तये वायुमुपप्लवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य अस्पदे बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये
स्वस्तिफा नित्यातो भवन्तुना ओम विश्वे देवानो पत्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तये तीसरी कविता हे प्रभु हमारे जीवन में अभाव न रहे हम पूर्णता को प्राप्त करें आपकी कृपा से आपके आशीर्वाद से हमारी संपूर्ण कामनाएं भावनाएं प्रार्थनाएं पूर्ण हो ऐसी भावना के साथ ओम तत्स्वातमित विरंगिरो कृतेन वर्धयामते नियक्षोच्चाय विष्टया इस्ताह इदमुक्ते अंगिरते नप्तमान अन्न धन प्रजा पशु कीर्ति और प्रभु के आशीर्वाद की कामना करते हुए स्वाहा बोलने पर की क्या होती गायत्री मंत्र महामंत्र आप जानते हैं आप मेरे साथ में बोलेंगे इसे गुरु मंत्र भी कहा जाता है और गुरु मंत्र का मतलब जो संस्कार कराते हैं जो कोई संस्कार वो इस मंत्र को देते हैं और कहते हैं कि इस मंत्र का जाप करना इस मंत्र का अर्थ भर्गो देवस्य धीमहि धियो धियो नः प्रचोदयात् स्वाहा इसका अर्थ है हे प्रभु आप दुखों का नाश करने वाले सुख स्वरूप हैं आपकी शक्ति से यह संसार उत्पन्न हुआ आप देवों के भी देव हैं आप विशुद्ध तेज से युक्त हैं हे प्रभु आप हमारी बुद्धियों को अच्छे मार्ग में प्रेरित इस मंत्र में बुद्धि की जीवन की सुखता की समृद्धि की कामना की आज से आपको इसका जाप करना है थोड़ा समय निकाल कर इसका जाप जरूर करें और परमेश्वर से श्रेष्ठ बुद्धि की कामना करें और बायो अपने सभी देवताओं का ध्यान करते हुए कहा कि प्रभु हमें शक्ति देना हम अपने व्रत का पालन करते हुए जीवन के सुख सौभाग्यों को बढ़ाने में सक्षम आप अंजलि में जल लेंगे इस तरह से और मैं जब कहूँगा तब आपको इस कटोरी में छोड़ दूंगा इसी को ऊपर लीजिए गिरना नहीं चाहिए ओम तत्सवितुर्गणिमय देवस्य बोधयतम बाहुभ्याम उष्णो हस्ताभ्याम ओम तत्सवितुर्गणिमय बाहुभ्याम उष्णो हस्ताभ्याम ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् यह आपको मैंने जल दिया और जल को आपने कटोरी में डाला इसका अभिप्राय ये जो विधि होती है ये संस्कार ये भावना के रूप में होती है और यहाँ पर कहा गया कि आपको जब भी कोई अच्छी चीज अच्छी बात अच्छे विचार अच्छे संस्कार अच्छी भावनाएं कहीं से भी मिले
उन्हें हमेशा अच्छे पात्र में रखना, हमेशा बनाए रखना। विशेष शांति 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 शांति
के हाथ में दान दक्षिणा देकर पंडित जी का आशीर्वाद लीजिए।